दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे चैनल अम्बेडकर राइट्स में, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 6 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। हमेशा की तरह IBS खुफिया एजेंसी ने सीमी, इंडियन मुजाहिदीन हुजी जैसे मुस्लिम संगठनों पर शक किया और इसे मीडिया ने खबर बनाकर लोगों के सामने पेश किया। लेकिन 3 माह पूर्व ही महाराष्ट्र STS का पदभार ग्रहण किए हेमंत करकरे ने सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करना उचित न समझा। उन्होंने किसी भी प्रकार के पूर्व ग्रह में न रहते हुए आपराधिक कानून व पुलिस नियम मतलब मैनुअल के तहत जांच करना शुरू किया। हेमंत करकरे ने सबसे पहले घटनास्थल पर ध्यान केंद्रित किया। वहां पर उन्हें एक मोटर बाइक मिली, उस पर लदी हुई RDX जैसी खतरनाक विस्फोटक सामग्री की सहायता से घटना करवाने की बात सामने आई। जब इस बाइक के मालिक का पता लगाना शुरू हुआ तो पता चला कि यह बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब ABVP, अभिनव भारत, VHP की, दुर्गा वाहिनी आदि संगठनों से जुड़ी थी। उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया गया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें 2 नाम सामने आए, एक श्यामलाल साहू और दूसरा शिव नारायण काल संग्रा। इन दोनों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये दोनों RSS और भाजपा से जुड़े हुए थे। इन तीनों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ करने पर घटना में शामिल लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर सेवा निर्मित रमेश उपाध्याय, जम्मू स्थित शारदा पीठ के महंत दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी आदि के नाम सामने आए। घटना में शामिल कुल 11 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया और इन सभी से कड़ी पूछताछ की गई। इस दौरान हेमंत करकरे ने घटना में शामिल लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के पास से 1 और दयानंद पांडे के पास से 2 लैपटॉप जब्त किए। इस लैपटॉप में 2 जानकारी थी, वह एक तरह से हिंदू राष्ट्र की ब्लूप्रिंट ही थी। लैपटॉप में अभिनव भारत संगठन की जानकारी व उनकी सभी मीटिंगें के ऑडियो और वीडियो भी थे, जिन्हें स्पष्ट होती थी। पहली 2002 से 2003 के दौरान कट्टरवादी ब्राह्मणवादियों ने अभिनव भारत नाम के एक संगठन की स्थापना की थी। दूसरी बात, उनका मुख्य उद्देश्य भारत लोकतंत्र को तोड़ डालना, लोकतंत्र के अनुसार स्थापित वर्तमान सरकार को निरस्त करना और वहां पर मनुस्मृति और वेदों पर आधारित आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना था। तीसरी बात, वे इस कार्य में नेपाल व इजराइल जैसे देशों की व नागा उग्रवादियों की मदद ले रहे थे। चौथी बात, देश में अराजकता फैलाने के दृष्टिकोण से वे देश में बम धमाके करवाते थे और उसका आरोप मुसलमानों पर लगाते थे। पांचवी बात, RSS व भारत दोनों बीच गहरे संबंध थे। असल में अभिनव भारत ये RSS के कट्टर ब्राह्मणवादियों का ही एक संगठन था। इस घटना की जांच हेमंत करकरे ने लगभग 26 नवंबर 2008 के पहले ही, जब वे जिंदा थे, पूरी की थी, लेकिन अभी तक उसकी चार्ज शीट कोर्ट में नहीं भेजी थी। उनकी मृत्यु के बाद जनवरी 2009 में चार्ज शीट भेजी गई। गिरफ्तार किए गए 11 आतंकी एवं फरार 3 आतंकी, ऐसे कुल 14 आरोपी घटना में शामिल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: पहला साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दूसरा श्यामलाल साहू, तीसरा शिव नारायण काल संग्रा, चौथा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पांचवा मेजर रमेश उपाध्याय, छठवा महंत दयानंद पांडे और सुधाकर धर द्विवेदी, सातवां समीर कुलकर्णी, आठवां अजय राहिरकर,
नौवां राकेश धावड़े, दसवां जगदीश महात्रे, ग्यारहवां सुधाकर चतुर्वेदी, बारहवां रामजी काल संग्रा, तेरहवां संदीप डांगे, चौदह प्रवीण मुतालिक। ये सभी आतंकी अभिनव भारत के सदस्य थे और आरएसएस से संबंधित थे। मालेगांव 2008 की जांच में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नॉर्को टेस्ट व ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ था। उससे स्पष्ट हुआ था कि मालेगांव घटना के पहले जो धमाके हुए थे, जैसे समझौता एक्सप्रेस मालेगांव 2006, अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद, हैदराबाद, ये सभी धमाके अभिनव भारत के आतंकियों ने अन्य कुछ संगठनों की मदद से किए थे, लेकिन इन संगठनों की पुनः जांच कई साल तक नहीं की गई। हेमंत करकरे ने जिन तीन लैपटॉप को जब्त किया था, उनमें से एक लैपटॉप में अभिनव भारत संगठन की पूरी जानकारी थी, दूसरे दो लैपटॉप में अभिनव भारत की देश भर में हुई मीटिंगों के 48 ऑडियो व वीडियो क्लिप थे। हेमंत करकरे जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने 3 वीडियो और 2 ऑडियो क्लिप्स को शब्दों में अनुदित करके उनकी जांच की थी। बाकी 43 क्लिप्स को शब्दों में अनुदित करने और उनसे संबंधित घटनाओं की जांच करने का काम अधूरा था। हेमंत करकरे की हत्या के 2 माह बाद जनवरी 2009 में भेजी गई चार्जशीट की पृष्ठ संख्या 69 में लिखा है कि जब्त किए गए लैपटॉप के बाकी क्लिप्स, कुछ मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्ड्स की गई बातचीत, पेन ड्राइव में रिकॉर्ड की गई जानकारी एवं अन्य दस्तावेज आदि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से प्राप्त हुई है और उनकी जांच करना जरूरी है। अन्य कुछ ऑडियो व वीडियो को शब्दों में अनुदित करने का कार्य जारी है। चार्जशीट भेजकर अब 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक आगे की जांच नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ब्राह्मणवादियों के कारनामे को वहीं पर दबाकर रखना चाहती है। मूडासा, गुजरात में एक धमाका हुआ था, उसमें एक की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। मृतकों की संख्या छोड़ दें तो मालेगांव बम धमाका और मूडासा धमाका, ये दोनों घटनाएं सामने दिखाई देती थीं। उदाहरणार्थ दोनों धमाके एक ही दिन और लगभग एक ही समय पर हुए थे। दोनों धमाकों में RDX का उपयोग किया गया था। बम रखने के लिए दोनों घटनाओं में 2-पहिया वाहन बाइक का उपयोग किया गया था, लेकिन जिस तरह हेमंत करकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र ATS ने मालेगांव बम धमाके की कड़ी जांच की, उस तरह मूडासा घटना की जांच नहीं की गई। आगे चलकर NIA को जांच की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई।